क्या आपने मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर देखा है? ये एक असल मामले पर आधारित कहानी है। This couple here have been investigated for 10 weeks. Cultural differences को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो, माथे पे टीके लगाते हो। वो इनका तो ये कहना है कि मिसेस चटर्जी has an unstable mind. मई 2011 में नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज CWS ने दो बच्चों 2.5 साल के अभिज्ञान और उनकी 5 महीने की बहन ऐश्वर्या को कथित आरोपों के आधार पर उनके माता पिता से अलग किया और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। माता पिता के ऊपर अपने बच्चों को अपने बिस्तर पर सुलाने, सही तरीके से भोजन नहीं खिलाने और ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहनाने जैसे तमाम इल्जाम लगाए गए। पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। What? आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है। क्या मेरा बच्चा ब्रेस्टफीडिंग पे है। बच्चों को लगभग 20 वर्षों तक राज्य की देखभाल के तहत रखा जाना था। माता पिता को अपनी ही संतान से साल में केवल 3 बार मिलने की इजाजत दी गई थी। भारतीय समाज में जिस तरह से बच्चों को पाला जाता है उस तरीके को नॉर्वे में बच्चों के प्रति हिंसा समझा जाता है। नॉर्वेजियंस कहते हैं ये सांस्कृतिक अंतर का मामला है और नॉर्वे में बच्चों के खिलाफ हिंसा की अनुमति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाल शोषण की अनुमति किस संस्कृति में है? क्या केवल संदेह और गुमनाम शिकायतों के आधार पर एक बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जाना उचित है? नहीं, हम सब यही कहेंगे हरगिज सही नहीं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि नॉर्वे जो कि एक चाइल्ड फ्रेंडली देश है जहां डेवलपमेंट रेट कहीं ज्यादा है, चाइल्ड मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वहां नियमों की सख्ताई होना तो लाजिम सी बात है। और ये नियम भी वही है जिनकी नींव पर वहां के नागरिक एक चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी बना पाए हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि चाइल्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में नॉर्वे हर फहरिस्त में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक तो नॉर्वे हाईएस्ट फैमिली फ्रेंडली देशों में से एक है। और यहाँ बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की दर इतनी कम है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई सजा ही नहीं है। और तो और किशोर अपराधों के खिलाफ सुनवाई के लिए कोई विशेष अदालत भी नहीं है। आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि माता पिता को भी बच्चों से जुड़े मामले में टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है, जो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। ना ही वो बच्चों पर हाथ उठा सकते हैं और एक थप्पड़ भी माता पिता को जेल पहुंचा सकता है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए नॉर्वे का एक असल किस्सा सुनते हैं। एक बार दो बच्चे अपने पिता और चाचा के साथ कहीं कार में जा रही थी तो चाचा ने 2 साल के बच्चे को चाइल्ड सीट पर ना रखकर अपनी गोद में पकड़ लिया। इस बात पर वहां की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक भारी भरकम पेनल्टी भरनी पड़ी। चाचा ने पुलिस कर्मचारी को बहुत बार समझाया कि उनकी गोद से सुरक्षित जगह शायद ही कोई और होगी, लेकिन पुलिस अधिकारी नहीं माना क्योंकि नॉर्वे में सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये नॉर्वे है और ये है नॉर्वे का प्रशासन। आप सबकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर कमेंट।